नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें मैं आज आपको एक नई योजना के बारे में बताऊंगा जो कृषि विभाग नई योजना इसी वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की है। तो इस YouTube चैनल पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले इस योजना के बारे में, और वह योजना है सोलर पंप कंट्रोलर योजना। कृषि विभाग अब किसानों को अनुदान पर सोलर पंप कंट्रोलर भी उपलब्ध करवाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि इन सोलर पंप संयंत्रों से केवल वर्ष में लगभग 150 दिन ही काम में लिया जा सकता है। शेष दिनों में सोलर पंप द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा है उसका उपयोग नहीं लिया जाता, तो इस वजह से यह योजना शुरू की गई है। इस वजह से कृषि विभाग ने यह योजना शुरू की है कि शेष जो दिन है वह ऊर्जा काम में लेने के लिए किसानों को यह कंट्रोलर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि किसान अपने घर और अन्य जो कृषि उपकरण है, जैसे आटा चक्की हुई, डीप फ्रिज हुआ, मिनी कोल्ड स्टोरेज हुआ, बल्क मिल्क चिलर हुआ, तो उसमें भी वह उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि सोलर प्लेटें डीसी ऊर्जा देती है और यह कंट्रोलर उस डीसी ऊर्जा को एसी ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और इस एसी ऊर्जा का उपयोग किसान अपने घरों व अन्य कृषि उपकरणों में काम में लेंगे। अब आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन किसान इसके लिए पात्र होगा, क्या चयन प्रक्रिया होगी, और किस प्रकार अनुदान दिया जाएगा, और कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा। तो आप इस YouTube चैनल पर देखेंगे, बिल्कुल कृषि विभाग की गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कितना अनुदान मिलेगा और क्या पात्रताएं होगी। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि आप इस योजना का लाभ सही समय पर, आपको इस योजना का लाभ लेना है तो तुरंत आप कृषि विभाग के उद्यान विभाग में संपर्क करें, क्योंकि इसके टारगेट जो हैं वह सीमित टारगेट आते हैं। तो किसान भाइयों, आगे चलते हैं वीडियो में, और सबसे पहले हम जानेंगे कि सोलर कंट्रोलर पर कितना अनुदान मिलेगा और इसकी कुल लागत कितनी आएगी। हम देखते हैं सबसे पहले 3 HP सोलर कंट्रोलर के बारे में। इस सोलर पंप के साथ कंट्रोलर जो मिलेगा वह AC का मिलेगा, यानी DC को, यह कंट्रोलर DC को AC में कन्वर्ट करेगा विथ कनेक्टिंग केबल की भी इसके साथ आएगी, और स्विच भी इसके साथ आएंगे, और मुख्य बात यह है कि इसमें 5 साल की वारंटी आएगी जो रिपेयर और मेंटेनेंस की होगी, और इसके साथ 5 साल का इंश्योरेंस भी आएगा। अब हम देखते हैं कि 3 HP की सोलर कंट्रोलर की कुल लागत कितनी आएगी। कुल लागत 90,387 इसमें आएगी। अब देखने की बात यह है, यह 90,387 कृषि विभाग द्वारा बेस प्राइस मानी गई है। बेस प्राइस का मतलब है कि अगर जिस भी कंपनी का आप कंट्रोलर लगवाओगे उस कंपनी का अगर इस राशि से ज़्यादा का बिल होता है तो आपको इसी राशि पर 40% 60% के हिसाब से अनुदान देना होगा, और अगर इस राशि से कम का होता है, जैसे 85,000 का अगर आपके पास बिल है, तो 85,000 का 60% आपको सब्सिडी मिलेगी और 40% आपको पैसे कृषि विभाग में जमा करवाने होंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें 60% जो कुल सब्सिडी मिलेगी आपको वह 54,232 रुपये होगी, और जो 40% है वह फार्मर शेयर होगा, यानी फार्मर शेयर के इसमें 36,155 रुपये बनेंगे, यानी 36,155। अब किसान को यह समझ लेना चाहिए कि आपको यह कुल लागत जमा नहीं करवानी कृषि विभाग में, आपको केवल 36,155 रुपये ही जमा करवाने हैं, और यह जो 60% जो सब्सिडी है वह डायरेक्ट कृषि विभाग, जिस निर्माता का आप कंट्रोलर लगवाओगे, जिस भी विक्रेता से आप कंट्रोलर लगवाओगे, उस विक्रेता को भुगतान कर देंगी। केवल आपको 36,155 रुपये ही कृषि विभाग में जमा करवाने हैं। अब आगे हम देखते हैं 5 HP के बारे में। 5 HP में भी वही है कि यह भी DC को AC में कन्वर्ट करेगा, और इसके साथ भी वही केबल और स्विच और 5 साल की वारंटी और 5 साल का इंश्योरेंस आएगा। इसमें जो 5 HP में जो कुल लागत आएगी वह 93,109 रुपये की आएगी, और उसमें 60% जो सब्सिडी मिलेगी वह 55,865 मिलेगी, और जो फार्मर शेयर है 40%, यानी वो 37,244, यानी फार्मर को केवल 37,244 ही कृषि विभाग में जमा करवाने होंगे। यह है तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, कि आवेदन किस प्रकार किया जाएगा। जिला उद्यान कार्यालय में योजना हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिनका पंजीकरण रजिस्टर में पंजीयन कर वरीयता निर्धारित की जाएगी, जिसके अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लक्ष्य अनुसार स्वीकृतियां जारी की जाएगी। यानी कि यह ऑफलाइन प्रक्रिया होगी, और आपको इसके पंजीकरण करवाने के लिए, रजिस्टर्ड करवाने के लिए कृषि विभाग के उद्यान कार्यालय में आपको संपर्क करना पड़ेगा। वर्तमान में
ऑफलाइन प्रक्रिया से आवेदन लेकर निस्तारण किया जाएगा, भविष्य में ऑनलाइन प्रक्रिया की जा सकती है। यानी कि वर्तमान में अभी यह ऑफलाइन ही प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो हमें इसमें ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप कृषि विभाग के उद्यान विभाग में संपर्क करके इसके लिए आप अपना नाम दर्ज कराएं, तो उसी के आधार पर फिर पहले आओ पहले पाओ, जो पहले संपर्क करके अपना नाम दर्ज करवाएगा उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आगे चलते हैं कि कौन कृषक इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो पहला है, कृषक के खेत पर स्थापित सौर ऊर्जा पंप संयंत्र द्वारा कृषि एवं उद्यान की फसलों में सिंचाई की जा रही हो, यानी वर्तमान में कृषक के खेत पर सोलर पंप स्थापित होना चाहिए और वह कृषि या उद्यान की जो फसलें हैं उनमें काम में लेना चाहिए। ऐसे कृषक जिनके द्वारा उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना में अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित कराए गए हैं तथा जिनकी 5 वर्ष की गारंटी समाप्त हो चुकी है, ऐसे कृषक ही पात्र होंगे। यानी इस योजना का लाभ उन कृषकों को मिलेगा जो कृषक कृषि विभाग के उद्यान विभाग से संचालित जो योजना है उसमें अनुदान लेकर सोलर पंप स्थापित करवाए थे और उनको स्थापना के 5 वर्ष की गारंटी समाप्त हो चुकी है। यानी जब कृषि विभाग के उद्यान विभाग द्वारा सोलर पंप स्थापित किया जाता है तो उस पर 5 वर्ष की गारंटी आती है, तो वह गारंटी समाप्त होने वाले कृषकों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक कृषक को स्थापित किए हुए 5 साल हो गए हैं, उन कृषकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 3 HP और 5 HP के यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर पर अनुदान देय होगा। केवल इसमें 5 HP और 3 HP के सोलर पंप स्थापित हैं उन्हीं पर ही केवल कंट्रोलर दिया जाएगा। कृषक प्रक्षेत्र पर जिन्होंने जिनकी क्षमता 3 HP और 5 HP का सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित है उतने ही HP की यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर स्थापित करवाया जाएगा। यानी जिस किसान के पास 3 HP का सोलर पंप स्थापित है तो उसे केवल 3 HP का ही कंट्रोलर लगाया जाएगा और जिस किसान के पास 5 HP का है उसे 5 HP का कंट्रोलर स्थापित किया जाएगा। यदि किसी कृषक द्वारा पूर्व में 3 HP का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित अनुदान पर स्थापित करवाया गया था लेकिन कृषक द्वारा अपने स्तर पर उसकी क्षमता बढ़ाकर 5 HP करा ली गई है तो ऐसे कृषक को 5 HP यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर अनुदान पर स्थापना हेतु पात्र होंगे। यानी जो कृषक पहले कृषि विभाग से 3 HP का सोलर पंप लगवाया था और बाद में उसने अपने स्तर पर उसे बढ़ाकर 5 HP का कर लिया है तो उसे अब 5 HP का सोलर कंट्रोलर देय हो जाएगा। अब आगे हम वीडियो में देखते हैं कि एक कृषक को आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आवश्यकता होगी। तो आवेदन पत्र, महिला लाभार्थी की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी यह आपको उद्यान विभाग से मिल जाएगा। कृषक का आधार कार्ड व भामाशाह जन आधार कार्ड की छाया प्रति की आवश्यकता होगी। कृषक हिस्सा राशि जमा कराने की सहमति शपथ पत्र, ये भी आपको उद्यान विभाग से मिल जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक उद्यान कृषि द्वारा प्रमाणित कृषक के प्रक्षेत्र पर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित होने का शपथ पत्र, ये भी आप जब कृषि विभाग में संपर्क करेंगे तो आपको यह भी फॉर्मेट मिल जाएगा। भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि, एक तो भूमि की जमाबंदी की आवश्यकता होगी और आपकी पासबुक की प्रतिलिपि की आवश्यकता होगी। सूचीबद्ध फर्म द्वारा जारी कोटेशन, यानी ये भी आपको कौन सी फर्म सूचीबद्ध है यह आपको कृषि विभाग में उद्यान विभाग में जब आप संपर्क करोगे तो उस वहाँ से मालूम चल जाएगा। और त्रिस्तरीय पार्टी अनुबंध, ये फॉर्मेट भी आपको उद्यान विभाग से मिल जाएगा। और अन्य दस्तावेज, यानी कि अन्य दस्तावेज जो भी उद्यान विभाग में अनुदान के लिए आवश्यक समझे वह अन्य दस्तावेजों की श्रेणी में होंगे।